नमस्कार, दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। क्या एक पोस्टर का लगाना या हटाना इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है कि पूरा एक शहर 3 दिन के लिए जल उठे? लेकिन ऐसा हो रहा है, और ऐसा हो रहा है जम्मू में, जहां भिंडरवाला के एक पोस्टर का मामला ऐसा तूल पकड़ता है कि एक सिख युवक की जान चली गई, और अब विरोध प्रदर्शन की आग से जम्मू से लेकर घाटी तक सब कुछ झुलस रहा है। जर्नैल सिंह भिंडरावाला, संत या आतंकवादी जी? इसी सवाल का सीधा जवाब नहीं होने की वजह से जम्मू जल रहा है। बीते 3 दिनों से जम्मू और आसपास के इलाकों में सिख प्रदर्शनकारियों का विरोध जारी है, तो वजह सिर्फ एक पोस्टर है। जम्मू के रानीबाग में भिंडरावाला के एक बड़े पोस्टर को एक पुलिस अधिकारी ने आतंकवादी कहते हुए क्या हटाया कि बवाल हो गया। विरोध प्रदर्शन का दायरा जम्मू से आगे बढ़ता हुआ घाटी तक जा पहुंचा है। श्रीनगर में भी सिख समुदाय ने हंगामा किया, जिन्हें हिरासत में लिया गया। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो रानीबाग इलाका है, अभी यूनाइटेड नेशन की गाड़ी जो है ये आरएसपुरा बॉर्डर क्रॉस करके आई है। नॉर्मली ये जो है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की गाड़ियाँ जो है जम्मू से सियालकोट के द्वारा होती है, मगर जो प्रोटेस्टर्स हैं, सिख प्रोटेस्टर, इन्होंने इस गाड़ी को छोड़ दिया है। और इसके साथ ही जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर अभी भी तनाव बना हुआ है। जर्नैल सिंह भिंडरावाले को सिखों का बड़ा वर्ग संत मानता है, इसमें शक नहीं। इंदिरा गांधी ने कभी अपने राजनीतिक विरोधियों को मुश्किल में डालने के लिए भिंडरावाले को खड़ा किया, लेकिन जब खालिस्तान की मांग को लेकर भिंडरावाला सरकार की मुसीबत बन गया, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए उसका खात्मा भी हुआ और आतंकवादी भी करार दिया गया। बीते कई साल से भिंडरावाला के समर्थन में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जम्मू में इस उग्र प्रदर्शन के क्या मायने हैं? क्या पुलिस के हालात को ठीक से नहीं भांपने की वजह से माहौल बिगड़ा? क्या जम्मू में उग्र प्रदर्शन के पीछे कोई साजिश है? क्या भिंडरावाला और खालिस्तान का भूत अभी जिंदा है? पहली बार कोई बहुत बड़ा एक बड़ा पोस्टर लगाया गया, कुछ लोगों ने लगाया, सारा जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हो जो भी, लेकिन इतना तय है कि सिख प्रदर्शनकारी अब खासे उग्र हो गए हैं और उनके निशाने पर मीडिया भी है। सिखों में पाकिस्तान या पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गुट के प्रति सहानुभूति कोई है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की असलियत उन्हें मालूम है। लेकिन जम्मू से उठती चिंगारी को वक्त रहते न केवल थामना जरूरी है, बल्कि इसके पीछे की हर गुत्थी सुलझाना भी जरूरी है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। और अगली खबर मणिपुर से है, जहां पर सेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में 18 जवान शहीद हो गए। मणिपुर में सेना पर यह सबसे बड़ा हमला है। आर्मी चीफ आज इम्फाल पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया है। म्यांमार की सीमाएं सील कर दी गई हैं और शुरू हो गया है उग्रवादियों के खात्मे का सबसे बड़ा अभियान। लेकिन दर्द है उन शहीदों के गांव में, मातम पसरा है उनके घर परिवार में, जहां अभी शव भी नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ शहादत की खबर पहुंची। कल तक ये बेजान तस्वीरें भी बोलती थी, आज सूनी आंखों से निहार रही हैं। वर्दी में सजे अपने लाल पर नाज अब भी है, मगर शहादत के साथ सीना छलनी करने वाला यह एहसास भी कि अपना लाल अब कभी वापस नहीं लौटेगा। अभी सदमे से भरी सिर्फ ये खबर आई है, शहीदों का शव अभी उनके अपनों तक पहुंचा, तब दर्द का आलम क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मौत की सूचना से ही मातम में हर घर हर गांव आ चुका है। आज तक की टीम मणिपुर हमले में शहीद कई जवानों के घर पहुंची, उन वीर जवानों के बारे में जाना, उनके परिजनों के शोक में शरीक हुई।
हमले में शहीद हुए 6 जवान जम्मू कश्मीर से हैं। जम्मू में हम एक ऐसे परिवार में पहुंचे जिसका लाल कुलदीप राज आतंकवादियों की गोली का शिकार हुआ। मुझे कल 4:30 बजे फोन आया था यूनिट से, वो बोल रहे थे कि उनकी वो एक्सीडेंट हो गया है। तो मुझे तब भी ऐसे हो रहा था, डाउट था कि एक्सीडेंट कुछ हो रही है। फिर मैंने इनको मम्मी को डैडी को इनको बोला कि हमारे पास ही उधर यूनिट है ना, तो ये वहाँ पे गए थे, उनके सीओ से बात की। परिवार में एक ही जो युवक था ये सरकारी नौकरी करता था और पूरे परिवार को चलाता था, लेकिन आज पूरा परिवार सकते में पड़ा हुआ है कि आखिर आगे क्या होगा। लोग इस इंतज़ार में हैं कि कब उसका शव गांव में पहुंचेगा और उसको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मणिपुर हमले में एक जवान मध्य प्रदेश के रीवा जिले का भी शहीद हुआ है। जितेंद्र की शादी अभी 19 मई को हुई थी और 26 मई को छुट्टी खत्म होने के बाद मणिपुर रवाना हुआ था। इस मातम में बिलासपुर का हीरापुर गांव भी डूबा है। गांव के राजेश कुमार डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। राजेश का पूरा परिवार सेना से जुड़ा रहा है। राजेश के दोनों भाई भी सेना में हैं। 36 साल के राजेश तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे। हमले में शहीद हुए जवानों का शव 6 जून को उनके घर पहुंचेगा। तब तक मातम के बीच एक ऐसा इंतजार है जिसका हर लम्हा एक ऐसे अंत की तरफ ले जाता है जहां से कोई वापस नहीं आता। आज तक ब्यूरो। इनकी शहादत जाया ना जाए, सरकार को सेना को ये कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये पहला हमला नहीं है। 3 मई को नागालैंड में असम राइफल्स के 8 जवान शहीद हो गए थे और उस वक्त जिम्मेदारी ली थी NSCN, उल्फा, NDFB ने और KLO ने। अगली खबर की ओर रुख करते हैं और खबर है प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर रवाना होंगे। ढाका में उनके स्वागत की बड़ी जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। यह तो बांग्लादेश दौरे पर भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 20 समझौते होंगे, लेकिन सबसे अहम है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, वो समझौता जिसका सपना मनमोहन सिंह ने देखा था लेकिन साकार कर रही है कभी इसका विरोध करने वाली मोदी की बीजेपी सरकार। 2011 में मनमोहन सिंह जिस ऐतिहासिक समझौते की आस लिए बांग्लादेश गए थे, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद को मनमोहन सिंह इसलिए नहीं निपटा पाए थे क्योंकि ममता बनर्जी उनके साथ नहीं खड़ी थी, लेकिन मोदी ने ममता को भी मना लिया और संविधान संशोधन से लैस होकर कल बांग्लादेश रवाना होंगे। ममता वहां पहले ही पहुंच गई है। बीजेपी विरोध में थी तो वो इस समझौते के सख्त खिलाफ थी। सुषमा स्वराज ने तो संसद में यहाँ तक कह दिया था कि 1 इंच जमीन भी बांग्लादेश को नहीं लेने देंगे, लेकिन सत्ता में आते ही बीजेपी ने यू टर्न लिया है तो साफ है कि कूटनीतिक विषाद पर मोदी ने चीन को शह देने की सोच समझकर चाल चली है। क्योंकि बांग्लादेश की चीन से बढ़ती नजदीकियों के बीच भारत के लिए जरूरी है कि वो बांग्लादेश का न सिर्फ भरोसा जीते बल्कि दक्षिण एशिया में उसके खास साथी बने। 2010 में तो शेख हसीना ने चीन को सबसे भरोसेमंद दोस्त कहा था और तब से चीन की बांग्लादेश में कारोबारी और सामरिक गतिविधियां बढ़ी हैं। डेफिनेटली बांग्लादेश हैज अ स्पेशल यू नो अटेंशन और स्पेशल यू नो लाइकिंग फॉर हिम बिकॉज ऑफ दिस रिसेंट यू नो लैंड बॉर्डर ट्रीटी दैट हैज बीन पास्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट। दिलचस्प यह है कि कुछ बीजेपी नेता इसे मोदी की जीत बताते हैं तो कुछ इसे मनमोहन का सपना पूरा होने की बात करते हैं। बात करते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौते हैं जो होने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। यहां पर 20 समझौते होने की उम्मीद, भूमि अदला बदली, बस सेवा, 30 समझौता, जल मार्गों का उपयोग। भूमि अदला बदली तय, बस सेवा अगरतला से बांग्लादेश होते हुए कोलकाता तक, ढाका से शिलोंग सिलहट होते हुए गुवाहाटी तक। तीसरा समझौता, ममता के रुख के चलते तीसरा जल विवाद पर समझौते की संभावना बहुत कम, बहुत कम। जल मार्गों का उपयोग, तटीय जहाजानी और जल मार्गों के प्रभावी उपयोग के समझौते पर हस्ताक्षर संभव। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली सरकार के बाबू काम करना नहीं चाहते और जब बाबू काम करना नहीं चाहते तो सारा काम दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल को करना पड़ रहा है।
ऐसा ही और यही बात सरकार के ने एक चिट्ठी लिखकर तमाम विभागों से कही है। मिलके जैसा चुनाव के टाइम मैंने कहा था, 5 साल के अंदर दिल्ली को दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में बना के दिखा देंगे, तो ये उसी दिशा में एक कदम है। लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है, क्योंकि चाहते तो अरविंद केजरीवाल भी ये हैं कि दिल्ली के विकास से जुड़ी फाइलों पर तेजी से अमल, लेकिन हाल ये है कि अधिकारी जरूरी फाइलों पर भी फैसला लेने से कतरा रहे हैं। 28 मई को दिल्ली सरकार की तरफ से लिखी चिट्ठी में सभी विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिव और यहां तक कि स्थानीय निकायों के मुखिया से कहा गया है कि वो अपने स्तर पर ही फाइलों को निपटाएं और ऐसे हालात ना आए कि फाइल पर फैसला मुख्यमंत्री दफ्तर को लेना पड़े। इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री केजरीवाल का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि हर स्तर पर फैसला लेने में कमी दिखाई पड़ रही है, जिससे फाइल सबसे अंतिम स्तर यानी मुख्यमंत्री दफ्तर में इकट्ठी हो रही है। अगर मुख्यमंत्री को ही हर फाइल पर फैसला लेना है तो फिर फाइलों को अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी जैसे स्तर पर भेजने की जरूरत ही क्या है। चिट्ठी में लिखा गया है कि तमाम फाइलें अरविंद केजरीवाल यानी मुख्यमंत्री दफ्तर तक न भेजी जाएं, बल्कि अधिकारी उसे अपने स्तर पर भी सुलटाएं। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दफ्तर को भी ये लगने लगा है कि उनके पास शक्तियां जरूरत से ज्यादा हो गई हैं, जिनके विकेंद्रीकरण की जरूरत है। तो असर उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री की लड़ाई का हो या बड़े अधिकारियों को लेकर दिल्ली सरकार की बयानबाजी और कार्रवाई का, सच यही है कि दिल्ली का विकास प्रभावित हो रहा है और ये बात अरविंद केजरीवाल भी समझ रहे हैं। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जैसी तमाम हस्तियों ने आज पौधारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा की बात की। लेकिन पौधारोपण के बीच वो बड़ा सवाल अनसुना ही है कि आखिर देश में जिस तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं उस पर कौन ध्यान देगा, और गायब होते जंगलों के बीच पौधारोपण की कोशिशों से आखिर क्या होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधा लगाने की रस्म अदायगी इस बार भी हुई। जंगल बचाने और पेड़ पौधों की जरूरत पर भाषणबाजी के बीच खांटी नेता से लेकर खांटी खिलाड़ी तक ने पौधे रोपे। जो ना समझता है अपना उत्तरदायित्व को, चाहे बिहार का हो या हिंदुस्तान का हो, उसको विश्व के पर्यावरण को सुरक्षा करने का उसकी जिम्मेवारी है। मुझे बहुत खुशी मैं यहाँ पे आया और मैंने पहला पेड़ लगाया। इससे अच्छी चीज मेरे ख्याल से तो मेरे को तो कोई लगी नहीं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। इफ यू ऑल कैन प्लांट अ ट्री ईच, यू नो इट्स गोना हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन दिस प्लैनेट। लेकिन सवाल ये है कि इस रस्म अदायगी का मतलब क्या है, क्योंकि हर दिन देश में 135 हेक्टेयर जंगल विकास की आड़ में उजाड़ दिया जाता है। यूपीए सरकार के आखिरी 5 साल में करीब 4,07,000 हेक्टेयर जंगल विकास की भेंट चढ़ा। करीब 5 लाख हेक्टेयर जंगल नए प्रोजेक्ट के लिए अगले 5 साल में उजाड़ना तय है। यानी सवाल सिर्फ विकास का है और जंगल बचाना प्राथमिकता है ही नहीं। तो ऐसे में प्लांटेशन से होगा क्या, क्योंकि प्लांटेशन इकोसिस्टम को बचाने में पुराने जंगलों का विकल्प नहीं हो सकता। डेवलपमेंट का मंत्र जंगल बचाने की मुहिम पर बीते 2 दशकों से भारी है। इस कदर की सरकारी संगठन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ही जब कान्हा पेंच कॉरिडोर से NH-7 निकलने के बाद पेंच नेशनल पार्क पर पड़ने वाले असर के अध्ययन की सिफारिश करता है, तो वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर उस सिफारिश को खारिज कर देते हैं। अलबत्ता पर्यावरण दिवस पर सिर्फ पेड़ पौधों की बात होती है। खिलाड़ियों की तरफ से ये पहल आई कि हम शामिल होंगे, तो ये मुझे लगता है समाज का हर घटक अगर इस तरह से इस मुहिम में जुड़ेगा तो हम पर्यावरण की रक्षा ठीक तरीके से कर पाएंगे। विकास की इस अंधी दौड़ में हमारे जंगल गायब हो रहे हैं ऊंची ऊंची इमारतों और व्यावसायिकता की आंधी चुपचाप दबे पाव हरियाली हमसे कहीं दूर ले जा रही है। कितने जंगल कहां कहां गायब हो रहे हैं जरा ध्यान से देखिए आप। जम्मू कश्मीर 6,625 स्क्वायर मीटर, छत्तीसगढ़ 5,664, भारत में महज 58% प्राकृतिक वन क्षेत्र बाकी है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 23,948। दूसरी तरफ सिर्फ ताली बजाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं पौधे लगाने।